एक तरफ जहां लॉकडाउन के बीच एक दूसरे को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं हवा के साथ साथ अब यमुना भी साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन के बीच लोगों को बड़ी राहत तो मिली ही है, लेकिन इसके साथ ही यमुना का पानी भी साफ हो गया है। दरअसल मथुरा में अब यमुना साफ नजर आने लगी है, क्योंकि यहां पर लॉकडाउन की वजह से कारखाने बंद हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हवा और यमुना के पानी को पहुंचा है। हालांकि इसी बीच एक जो दूसरी तस्वीर है वो मदुरई की है, जहां पर लॉकडाउन के बीच सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहां पर 14 सब्जियों का पैकेट मात्र 100 रुपए में मिल रहा है, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिली है। इधर अगर बात सूरत की करें तो यहां पर पुलिस ने एक अद्भुत अभियान चला रखा है। पुलिस लोगों के बीच तो जा रही है, लेकिन एक खास पोस्टर के साथ। पुलिस पोस्टर पर बने कोरोना पीड़ितों के चित्र दिखाकर लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती तो स्थिति भयावह हो सकती है। पुलिस इस तरीके से लोगों को सावधान कर रही है और कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। एक और तस्वीर कोलकाता में भी सामने आई, जहां पर सड़कों पर रंग बिरंगी आकृति दिखी है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह सड़कों के जरिए दी जा रही है। आपको बता दें कि इन सड़कों पर कोरोना से बचाव के संदेश लिखे हैं और कला के माध्यम से यहां पर जागरूकता फैलाने की एक बेहतरीन पहल देखी गई। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा है कठुआ में, जहाँ पुलिस वालों के लिए सैनिटाइजर टनल बनाया गया है। पुलिस कर्मी जैसे ही थाने में दाखिल होते हैं, इससे पहले ही यानी एंट्री पॉइंट पर ही उनके लिए सैनिटाइजर टनल बनाया गया है, जहां पर वो सबसे पहले सैनिटाइज होते हैं, उसके बाद थाने में एंट्री करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।